हेलो दोस्तों, ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कोई भी मल्टीप्लाई को कैसे एक लाइन में करें। तो कोई भी मल्टीप्लाई को कैसे एक लाइन में हम करें, जैसे देखिए पहला हम लिख भी चुके हैं पहले से 63 × 54। ऐसे हम लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इसका स्टेप सीख लेंगे। स्टेप इसका सीख लेंगे तो थोड़ा सा समझने में ईजी रहेगा। बाकी इस पर एग्जाम्पल कराएंगे 5-6 साल, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू वाला का इसके शुरू वाले से करेंगे, अर्थात इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब इसका फर्स्ट से हो गया, अब इसको क्या करेंगे, सेकंड से करेंगे, अर्थात इसको अब इससे करेंगे, तो बाकी जो बच गया, तो जो बच गया उसके इससे करेंगे, और फिर अंतिम वाला का अंतिम वाला से करेंगे। दो डिजिट को मल्टीप्लाई में 3 स्टेप, ठीक है, 3। अब इसके बाद करते हैं, पहले देख लेते हैं, तो 4 × 12 ऐसे डायरेक्टली लिख लेंगे फिलहाल, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 4 × 6 = 24 और 5 × 3 = 15। 24 और 15 कितना हो जाएगा, तो हम लोग 24 और 15 जोड़ देंगे तो 24 और 5 हो जाएगा 29, 29 और 10 = 39, ठीक है। इसके बाद देते हैं 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, ठीक। अब इसको जोड़ने का तरीका क्या होगा, जोड़ने का तरीका होगा 2 एकम पहले यहाँ से 12 12 का कितना हो जाएगा 2 × 1 = 39 और 41 × 0, ठीक है, 0 × 4 और 30 × 4 कितना हो जाएगा 34। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 34। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं 63 × 54, देखिए 4 × 12 = 2 × 1, 4 × 6 = 24 और 1 = 25, ठीक है, 5 × 15 = 5 × 1 और 5 × 6 = 30 और 1 = 31, ठीक है। तो अब 2 × 5 = 10 = 0, 2 × 1 = 3 = 4, 3 = 34, 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग, अब ये भी तो थोड़ा सा लंबा मेथड है, ये भी लंबा है, लेकिन इसको हम लोग समझने के लिए इस तरह से किए हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बॉक्स की मेथड भी करते हैं, तो बॉक्स वाला मेथड ऐसे हो गया, जैसे मान लीजिए पहले क्या करते हैं, खड़ा करते हैं, जब भी अगर खड़ा रहेगा तो खड़ा मल्टीप्लाई होगा, अगर बॉक्स में ऐसे रहेगा तो इस तरह मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, तो 4 × 12 = 2 = 1, अब फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 × 15 = 6 × 24, 15 और 24 हो जाएगा 39, 39 और 1 कितना हो जाएगा 40 × 0 = 4 और 6 × 5, अब खड़ा करेंगे 6 × 5 = 30 × 4 = 3400। ये सब जो है मेथड थोड़ा सा लंबा है, और इस तरह से अगर क्वेश्चन के बीच में आ जाए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम लोग इतना नहीं करेंगे। देखिए हम लोग कैसे करेंगे, पहले स्टेप समझिए, स्टेप क्या है, पहला से पहले पहला करेंगे, इसके बाद इसमें एक ही स्टेप है कि आगे वाला क्या करता जाएगा, आगे चलता जाएगा, और पीछे वाला क्या करेगा, इसका पीछा करता जाएगा, अर्थात पीछे वाला अगर जगह पीछे होगा तो उसे मल्टीप्लाई करेगा। जैसे हम देख लेते हैं, तो 4 से करेंगे इसको 4 × 12, फिर इसके बाद ये वाला जो है 4 से फिर करेंगे आगे वाला स्टेप, इससे तो हो गया है, आगे करेंगे तो 4 × 6 से, और फिर बच गया 5 तो 5 पर कर देंगे पीछे वाले से, फिर अब ये आगे तो खत्म हो गया, तो अब ये वाला जो है आगे जाएगा, तो ये वाला आगे चलाएगा। अब देखिए समझ गए हम लोग इस तरह कैसे करेंगे, अब उसको लोग एक डिजिट में कैसे करते हैं वो देखिए। इससे मान लीजिए 63 × 54 है, 63 × 54 है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 12 = 2 × 1, और फिर इसको करेंगे इससे और इसको इससे, तो 4 × 6 = 24 और 5 × 15, 24 और 15 कितना 39 और इसका 1 = 40 × 0 = 4 और 5 × 6 = 30 = 34, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया मेरा आंसर, शुरू में ही अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझ लेने के बाद बहुत ही ये इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं और बहुत सारे एग्जांपल देख लेते हैं, स्टेप कैसे हम लोग इजली कर लेंगे, स्टेप आप लोग नोट कर लें, ठीक है, स्टेप नोट कर लें। ये आगे देखते हैं कोई भी मल्टीप्लाई हो दो डिजिट या कैसे करें, इसे देखिए 56 × 32, अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो सबसे पहला क्या करेंगे, पाला का पाला से, तो 2 × 6 = 12 × 2 = 1, फिर क्या करेंगे इसका इससे, तो इसका
इससे तो 5 × 2 = 10 और 6 × 3 = 18 10 × 18 कितना हो जाएगा 28 28 × 2 = 1 कितना हो जाएगा 29 × 9 कैरी हो जाएगा 2 और फिर 3 से करेंगे 5 पर 3 × 5 = 15 15 × 2 = 17 ये मेरा आंसर होगा। ठीक है और भी मल्टीप्लाई डायरेक्टली मतलब ऐसे कर सकते हैं और देखते हैं दो डिजिट का 6 7 3। ठीक है अब इसको हम लोग 5 4 × 4 = 2। ठीक है अब इसको करते हैं तो देखिए 2 × 4 = 8 और फिर इसका लास्ट वाला से इसका इससे तो 2 × 5 = 10 6 × 4 = 16 16 × 10 कितना हो जाएगा 26 16 × 10 = 26 कैरी 2 अब अंतिम वाला अंतिम वाला से तो 5 × 20 20 और 2 = 22 ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं और कोई भी 14 × 28 तो 8 × 32 का 2 कैरी 3 फिर हो जाएगा 8 × 8 और 4 × 8 8 × 8 = 16 16 × 19 का 9 कैरी 1 और 8 × 8 = 9 आ जाएगा 992। ठीक है ये रहा टुडे का और बाकी सब इस पे लेकर एग्जांपल आप प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस करेंगे आप जस्ट प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद रहेगा। ठीक है दूसरा देखते हैं 3 डिजिट का देखिए इधर 3 डिजिट का करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे वही मेथड आगे वाला आगे चलेगा पीछे वाला उसका पीछे चलेगा। तो देखते हैं 3 डिजिट का पहला स्टेप 2 से 2 का करेंगे पहला शुरू वाला का शुरू वाला फिर दूसरा इसको आगे बढ़ेंगे पीछे जगह बच गए पीछे वाला का पीछे वाला फिर इसको आप आगे ले चलेंगे तीसरा स्टेप में तो फिर इसके पीछे वाला ये वाला इसके पीछे वाला ये वाला फिर इसके बाद इधर से छोड़ते जाएंगे इसको छोड़ देंगे तो ये बचा ये वाला को अंतिम से फिर ये वाला इससे पीछे फिर अब इसको भी छोड़ देंगे तो अब क्या बचा ये वाला इसके पीछे अंतिम हो गया इसलिए 2 × 2 = 4 और ये हो गया 2 × 5 = 10 3 × 2 = 6 10 6 = 16 फिर इसके बाद देखिए 2 × 2 = 2 3 × 6 और 3 × 5 = 15 और 5 × 2 = 10 टोटल को ऐड करेंगे 31 फिर हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 5 × 8 = 25 25 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 और 5 × 3 = 15 जोड़ने का तरीका 4 फिर ये 16 16 × 6 कैरी 1 1 इसमें ऐड होगा तो 32 अर्थात 32 32 का 2 कैरी 3 और 34 में 3 जोड़ेंगे 37 37 का 7 कैरी 3 37 का 7 कैरी 3 और 3 और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 15 × 3 = 18 और ये मेरा क्या रहेगा और सब देख लेते हैं हम लोग एक लाइन में देखिए 3 × 2 = 4 × 1 = 4 = 5 देखिए एक लाइन में कैसे इसका मल्टीप्लाई करें स्टेप वही फॉलो करेंगे मल्टीप्लाई प्रोग्रेस करेंगे 5 × 20 का 0 कैरी 2 अब इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे तो 5 × 10 4 × 16 10 × 16 कितना हो जाएगा 26 26 और 2 = 28 का 8 कैरी 2 और फिर अगला स्टेप चलेंगे तो इसका इससे और इसका इससे और इसका इससे। ठीक है तो 5 × 3 = 15 4 × 8 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 23 और 4 हो जाएगा 27 27 और 2 29 × 9 कैरी 2 29 × 9 कैरी 2 अब इसको क्या करेंगे पीछे वाला को हटा देंगे एक ग्रुप को हटा देंगे पीछे वाला हटा देंगे अब इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे। ठीक है तो अब यहाँ पर करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 2 × 2 = 2 12 और 2 = 14 14 × 2 = 16 कैरी 1 अब अंतिम वाला का अंतिम वाला से तो 3 × 3 = 1 = 4 इस तरह से क्या हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से इसको समझ लेते हैं देखिए 5 × 20 का 0 कैरी 2 और 5 × 10 और 4 × 16 10 और 16 कितना हो जाएगा 10 और 16 हो जाएगा आपको 26 26 और 2 = 28 का 8 कैरी 2 अब हो जाएगा 5 × 3 = 15 4 × 8 और 4 × 4 तो 15 और 8 हो जाएगा आपको 23 23 और 4 हो जाएगा 27 27 और 2 = 29 कैरी 2 फिर इसके बाद अंतिम वाला करेंगे तो 4 × 3 में करेंगे 4 × 3 = 12 और 2 × 2 = 12 2 × 14 = 14 और 2 = 16 6 कैरी
वन और एक से तीन में एक, तीन एकम तीन और एक चार। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे बहुत कम आता है तीन डिजिट का तीन डिजिट से, ठीक है, ज़्यादातर तीन डिजिट का दो डिजिट से, चार डिजिट का दो डिजिट से आता है, उसको हम लोग देखेंगे लेकिन इसको भी सही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं, वन टू फाइव मल्टीप्लाई वन टू थ्री फोर, पाँच के बीस का जीरो कैरी दो, पाँच के बीस का जीरो कैरी दो, फिर आगे लोग बढ़ेंगे इसका इससे और इसका इससे, तो चार दुना आठ और पाँच तीन पंद्रह, पंद्रह आठ तेईस, तेईस है तू पच्चीस का पाँच कैरी दो, और फिर अगला का इससे, इसका इससे और इसका इससे, तो चार एकम चार, तीन दुना छः, छः चार दस, और पाँच दुना दस दस बीस, बीस और दो बाईस का दो कैरी दो, फिर इसके बाद कैरी दो। अब इसके बाद ये सब पूरा हो गया, अब आगे हम लोग छोड़ते चलेंगे, इसको छोड़ेंगे तब ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो तीन एकम तीन और दो दुनी के चार, चार तीन सात और दू नौ, फिर अंतिम वाला अंतिम से दो एकम दो, इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे तीन डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है, ज़्यादातर यूज एक तरफ दो एक तरफ तीन रहता है, एक तरफ दो एक तरफ चार। आगे हम लोग देखते हैं, हम सिस्टम को मिटा देते हैं, आगे हम सीख लेते हैं। शुरू में ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको कुछ देर तक देखें, पूरा वीडियो देखें, ठीक है, और पूरा समझने की कोशिश करें, और इसके एग्जाम्पल अपने से पाँच छः सात एग्जाम्पल जरूर बनाएं। जैसे कि फाइव थ्री टू मल्टीप्लाई फोर थ्री, अब हम क्या करेंगे आगे वाला को आगे लेते चलेंगे, पीछे वाला को इससे पीछा करेंगे, इसके आगे वाला आगे जाएगा तो तीन दुना छः, फिर क्या करेंगे तीन दुना छः, अब उसको आगे वाला को आगे लेके जाएंगे तब तीन इससे हो गया, तब इससे ये जाएगा तब पीछे वाला जस्ट इसके पीछे जाएगा, तो तीन तीन के नौ और चार दुना आठ, नौ आठ सत्रह, सत्रह का सात कैरी वन, सत्रह का सात कैरी वन, अब इसको फिर आगे लेके जाएंगे और पीछे वाला को पीछे लेके जाएंगे, ठीक है, तो तीन चौक के बारह और चार तीन बारह, बारह बारह चौबीस और एक पच्चीस का पाँच कैरी दो, और फिर अपन अंतिम वाला का अंतिम वाला से चार चौक के सोलह दो अठारह, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फोर थ्री टू फोर इंटू थ्री टू, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, एक तरफ चार डिजिट एक तरफ दो डिजिट, ज्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों को क्वेश्चन बनाते समय ज्यादातर ऐसा ही मल्टीपल जो हम लोग को पता है, इसको दो अंक में हम लोग क्या करते हैं करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, तो फिर अभी ये आगे आगे चलेगा और जस्ट इसका ये पीछे पीछे चलेगा, तो दो चौके आठ, दो चौके आठ, फिर ये क्या करेगा दो दुनी के चार और चार तीन बारह, बारह चार सोलह का छः कैरी वन, फिर ये चलेगा दो तीन छः और तीन दुना छः छः बारह और एक तेरह का तीन कैरी वन, फिर इसके बाद चलेगा दो चौके आठ और तीन तेरह के नौ, नौ आठ सत्रह और एक अठारह का आठ कैरी वन, और तीन चौके बारह और एक तेरह, ठीक है, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई चलो एक बार फिर से समझते हैं, दो चौके आठ, अब इसके बाद आगे चलेगा दो दूनी के चार और चार तीन बारह, बारह चार सोलह का छः कैरी वन, और दो तीन छः और तीन दूना छः 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 बारह, बारह और एक तेरह का तीन कैरी वन, फिर इसके बाद दो चौके आठ और तीन दूना तीन तीन के नौ, नौ आठ सत्रह और एक अठारह का आठ कैरी वन, और तीन चौके बारह और एक तेरह, ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, दो इधर चार डिजिट इधर तीन डिजिट इधर चार डिजिट इधर दो डिजिट कोई भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, और देखते हैं और उसका एग्जाम्पल है, इसी तरह आप लोग भी एग्जाम्पल करते रहें, एकदम 100% समझ में आ जाएगा और फास्ट भी होगा, ठीक है, फाइव थ्री टू फोर मल्टीप्लाई वन टू थ्री, थ्री डिजिट का टू डिजिट कैरी देख लेते, ठीक है, तो तीन चौके बारह का दो कैरी वन, तीन चौके बारह का दो कैरी वन, और तीन दूना छः, चार दूना आठ, आठ छः चौदह, तीन दूना छः और चार दूना आठ, आठ छः चौदह, चौदह और एक कितना हो जाएगा पंद्रह का पाँच कैरी वन, और तीन तिली के नौ और दो दूनी के चार, नौ चार तेरह, तेरह एक चौदह का चार कैरी वन, और तीन पचे पंद्रह और दो तीन छः,
15 से कितना हो जाएगा 21 और 1 22 का 2 कैरी 2 और 2 5 10 और 2 12 ठीक है 10 2 12 इस तरह से हम क्या करेंगे बनाएंगे ऐसे ही कोई भी मल्टीप्लाई कोई भी डिजिट का मल्टीप्लाई हो कोई भी मल्टीप्लाई हो हम लोग इस तरह से एक लाइन में कर सकते हैं तरीका यही होगा कि आगे वाला आगे चलेगा पीछे वाला जस्ट इसके पीछे चलेगा तीन डिजिट का देखते हैं तीन डिजिट का मल्टीप्लाई 4324 और ये 312 ये थ्री डिजिट का मल्टीप्लाई होगा थ्री डिजिट का मल्टीप्लाई भी वैसे ही होगा जैसे 2 4 8 2 2 4 और 3 4 12 12 4 16 6 कैरी 1 16 6 कैरी 1 फिर आगे इसको अब लेके चलेंगे तो आगे इसके चलेंगे तो इसके साथ ये जाएगा और इसके साथ ये जाएगा और इसके साथ ये जाएगा ठीक है तो 2 3 6 और 3 2 6 2 3 6 3 2 6 6 6 12 12 4 4 12 4 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 फिर ये अब इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा 2 4 8 3 3 9 9 8 17 17 2 1 2 17 2 19 19 और 1 20 का 0 कैरी 2 कैरी 2 अब क्या करेंगे हम लोग अब इसको ये पूरा हो गया इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ कर हम लोग क्या करेंगे अब इसको आगे वाला से लेंगे और इसको जस्ट इसके पीछे वाला से लेंगे ठीक है तो 3 3 4 12 और 3 1 3 12 3 15 15 2 17 का 7 कैरी 1 और 1 4 4 और 1 5 ठीक है इस तरह से हम लोग तीन डिजिट का भी मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं ठीक है आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट ठीक है तीन डिजिट का एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं और वीडियो को बार बार देखकर समझने की कोशिश जरूर करें क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे जैसे देखिए 3 2 4 1 × 1 6 2 फिर देखते हैं 2 1 2 अब आगे चलते हैं तो 2 4 8 और 6 1 6 8 6 14 4 कैरी 1 अब 2 2 4 6 4 24 24 4 28 28 और 1 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा 29 और 1 30 का 0 कैरी 3 अब फिर चलेंगे आगे तो 2 2 3 6 और 6 2 12 12 6 18 2 3 6 और 6 2 12 12 6 18 और इसके बाद 4 1 4 18 4 22 22 3 कितना हो जाएगा 25 का 5 कैरी 2 फिर अब आगे वाला इससे करेंगे और इसका इससे तो 6 3 18 2 1 2 18 2 20 और 2 22 का 2 कैरी 2 कैरी 2 और 3 1 3 2 5 3 1 3 2 5 इस तरह से क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई ठीक है आज के लिए बस इतना ही बाकी हम लोग अगले वीडियो में सीरीज वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे बहुत जल्द सोल्यूशन करें ट्रिक से कैसे जल्दी सोल्यूशन करें जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत सारा बड़ा बड़ा सीरीज आता है उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे